मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को पानीपत में 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल की विधिवत शुरुआत की। इससे पहले उन्होंने आज ही हिसार में भी कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। पानीपत में रिफाइनरी के पास स्थापित किए गए इस अस्थायी कोविड अस्पताल का नाम गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड हॉस्पिटल रखा गया है। अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को एक सप्ताह यानी कि 24 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। बना करके किसी न किसी नाम से कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। हमारा भी ये जो चल रहा है इस समय सप्ताह का कार्यक्रम, वो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा इस नाम से चल रहा है, जिसको सामान्य भाषा में लॉकडाउन ये भी कहा जाता रहा है। हमने इसका नाम बदला है जानबूझ करके, और इसकी अवधि वर्तमान में जो चल रहा है कल प्रातःकाल 6 बजे समाप्त होने वाली है। आगे क्या किया जाए तो एक बात सर्वसामान्य सब ओर से आने लगी है, जनता की ओर से भी कहा जाने लगा है कि थोड़ी सख्ती कुछ दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि अभी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। और अगर ये संख्या और हमारी प्रतिदिन अभी जो लगभग 9,000-10,000 के आसपास पहुंची है, अगर 1,000 भी प्रतिदिन करके घटती है तो 8-10 दिन में हम फिर नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए अभी इसको उसी स्थिति में जैसे चल रहा है एक सप्ताह के लिए इसको और आगे बढ़ाया जाता है। अभी ये 24 तारीख प्रातःकाल 6 बजे तक इसको एक्सटेंड किया जाता है।